नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 100 बड़ी खबरों से। तालिबान की यूएस को चेतावनी, कहा अब किसी अफगानी पेशेवरों को देश से बाहर जाने की नहीं देंगे इजाजत। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के कदमों को रोकने के लिए अमेरिका ने खेला दांव, वियतनाम से कहा हमें ज्वाइन करें आप। दुबई में खुलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, लंदन आई की ऊंचाई से होगा दोगुना। तालिबान नेता ने काबुल में चीनी राजदूत से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 11 चरणों में कराए जाएंगे मतदान। महिलाओं के हक को लेकर तालिबान का यूटर्न, कहा घरों के अंदर रहे अपने पक्ष में दिए दलील। टीम इंडिया की खराब शुरुआत, 50 रन के अंदर 3 विकेट गिरे। सीसीए ने एंकरेज के 15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी, जाने के इन सेक्टर्स में यह निवेश करेगी कंपनी। श्रुति हसन थ्रोबैक तस्वीर में टूटू स्कर्ट पहने आई नजर, कहीं ये मजेदार था। फुल चार्ज में 350 किलोमीटर दौड़ेगी 2021 टाटा टिगर ईवी। व्हाट्सएप यूजर्स को मिलेगा ट्विटर जैसा कमाल का फीचर, मैसेज का रिप्लाई देना हो जाएगा मजेदार। सिरसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद, बजाज फेंसर टाइटन मारुति के शेयर्स गए। पाकिस्तान में महिलाओं को लेकर सामने आई ताजा रिपोर्ट, अधिकारों के हनन को लेकर चौंकाने वाले हैं दावे। इरा खान ने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखारे की तस्वीर पर किया मजेदार कमेंट, फैंस ने कही ये बात। प्रियंका चोपड़ा जोनस मैट्रिक्स 4 में आने वाली है नजर, सिनेमाघरों में इस टाइटल के साथ होगी रिलीज। शीर्षक की कामयाबी के बीच करण जौहर ने लिखी अजब पोस्ट, कहा जिंदगी छोटी है पर हम कौन सा जिंदा गए। पत्तों के बीच जॉनवी कपूर का फोटोशूट चर्चा में, ऑफ शोल्डर टॉप में एक्ट्रेस को देख फैंस हुए फिदा। कबीर खान ने बताया कि तालिबान के कब्जे का खौफनाक मंजर, जब डायरेक्टर को जान से मारना चाहते थे तालिबान। एक महीने पहले ही निया शर्मा को मिलने शुरू हुए बर्थडे गिफ्ट्स, अब एक्ट्रेस फैंस से कर रही हैं ये अपील। मनोज बाजपेयी ने गंजेड़ी कहकर संबोधित किए जाने पर कमाल आर खान के खिलाफ दायर किया मुकदमा। रूपाली गांगुली बिकनी पहने पूल में नजर आई, बेटे रुद्रांश का मनाया जन्मदिन, देखें तस्वीरें। दिल्ली में जल्द स्कूल खोलने को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। देहरादून में मुसीबत की बारिश, अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट। बिहार में स्कूल कॉलेज खुले, धार्मिक स्थलों से भी हटी पाबंदी। काबुल से लौटे 16 लोग कोरोना पॉजिटिव, इनमें से 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी एक सिलेंडर के लिए मिलती थी लाठियां, आज घर बैठे मिल रहा मुफ्त कनेक्शन। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। आगरा में शराब पीने के बाद 8 लोगों की मौत पर राज्य मानवाधिकार आयोग गंभीर। लखनऊ में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल। नक्सली हमले में शहीद जवान नरेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, कौशाम्बी में हुआ अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में मिले 22 नए कोरोना संक्रमित, अब सक्रिय केस 400 से कम। प्रयागराज में 16 विधानसभा क्षेत्र नहीं चली कताई मिल। संसद को मिला आश्वासन, योगी जी का शहर गए, राजधानी तो जाएगा ही।
महापंचायत में समस्याओं को लेकर गर्जर किसान नेता दिए चेतावनी। उपेंद्र कुशवाहा बोले, जातीय जनगणना को 10 साल नहीं डाला जा सकता। हाईटेक होगा पंचायत इलेक्शन, ईवीएम व पोलिंग पार्टी के ऑनलाइन ट्रैकिंग। पंचायत चुनाव में नामांकन निर्देश शुल्क नहीं होगा वापस, जानिए किस पद के लिए देनी होगी कितनी राशि। लोजपा सांसद चिराग पासवान की बड़ी मुश्किलें, पटना में पार्सपोर्ट के नेता ने जान को खतरा बताया। मंत्री गिरिराज सिंह का इशारों में बिहार सीएम नीतीश पर तंज, राजनीतिक हित के लिए ना हो जातीय गणना। कैमूर में ट्रिपल मर्डर, सन के युवक ने बेटे बेटी के साथ पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। बाईपास निर्माण को लेकर भू अर्जन को स्वीकृति, 2 जिलों की दूरी होगी कम। बिहार की ट्रेन के सफर में टीटी को दिल दे बैठी कानपुर की युवती, टिकट मांगने पर दिया मोबाइल नंबर। वैशाली में जहरीली शराब से 2 की मौत, 4 की हालत बिगड़ी, पुलिस को देख भड़के ग्रामीण। मनजिंदर सिंह सिरसा ही बनेंगे डीएसजीएमसी अध्यक्ष, सुखबीर सिंह बादल ने की घोषणा। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में फिर उठाए केंद्र पर सवाल। शिरोमणि अकाली दल बादल ने किया बहुमत पाने का दावा, जानिए कौन हारा और कौन जीता। डीएसजी पीसी चुनाव में बड़ा उलटफेर, अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव हारे। दिल्ली एम्स गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार में समर्थकों की बढ़ गई चिंता। देखिए मासूम के तोती आवाज में अपनी सुप्रसिद्ध कविता, सुनकर क्या बोले कुमार विश्वास। अभी भी पार्कों में लगे पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर है छावनी परिषद। शिरोमणि अकाली दल बादल ने किया बहुमत पाने का दावा, जानिए कौन हारा और कौन जीता। किसानों के गुस्से से कमी रेलवे की इनकम, रोजाना हुआ 1 करोड़ का नुकसान। जालंधर में भड़के किसान पुलिस से भिड़े, भाजपा नेताओं का विरोध करते सर्किट हाउस को घेरा। ऐसा नहीं है कि पूरी कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दी है। क्रिकेटर हरभजन सिंह का दूसरा अवतार, छोटे पर्दे पर होस्ट करेंगे डॉक्टर एसपी ओब्रॉय की जवानी पर फिल्म बनाएगा बॉलीवुड निर्देशक महेश भट्ट ने की बात। इंटरसिटी समेत 10 ट्रेनें हुई बहाल, 8 अभी भी रद्द। पानीपत के श्रद्धालुओं की 2 गाड़ियां जा पहुंची हर के पेड़ी के पास। उत्तराखंड की आफत की बारिश, भूस्खलन से बार बार बाधित हो रहा देहरादून। उत्तराखंड में बुधवार को सामने आए कोरोना के 32 नए मामले, 22 ने दी कोरोना को मात। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा, भाजपा ने जनता के पैसे से बनाए पार्टी कार्यालय। रेलवे ट्रैक और एचटी लाइन गजराज के लिए बने जानलेवा। दादानगर में बैटरी कैबिनेट बनाने वाले 2 फैक्ट्री समेत 3 में लगी भीषण आग। जौनपुर में बरसात के मौसम में 2 रिहायशी छप्पर जले, बेघर परिवार दाने दाने को हुए मोहताज। झारखंड में 5 डीएसपी का तबादला, नेहा बाला साइबर थाना की नई थानेदार। अब दलगत आधार पर नहीं होगा निकाय चुनाव, प्रॉपर्टी टैक्स की गणना नए तरीके से। सभी विधायकों से की जाएगी नियोजन, नीति बदलने की मांग, सदन में आवाज नहीं उठाने वालों का होगा घेरा। चुनाव में नक्सली का सहयोग लेने के मामले में अजय कुमार साक्ष्य के अभाव में बरी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में उद्योगों का विस्तार और पूंजी निवेश होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।